पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ। इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जहां लोगों को चिंता सता रही है, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पिछले एक डेढ़ महीने में विदेश से 3000 लोग इंदौर में आए थे। यहां आने के बाद लोग इधर उधर चले जाते हैं, जिनमें से 26 लोग पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें 8 ओमिक्रॉन के मरीज थे। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि 8 में से 6 मरीज ठीक हो चुके हैं। 2 लोगों के अंदर अब कोई भी नए वेरिएंट के लक्षण नहीं है। उन्हें जल्द ही अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। लेकिन मैं आज आपका ध्यान ओमिक्रॉन की जो इंदौर में टेस्टिंग हुई है उधर ले जाना चाहता हूं। अभी तक पिछले एक डेढ़ माह में लगभग 3000 लोग विदेश के इंदौर में आए थे। इंदौर में आके फिर अलग अलग जगह चले जाते हैं। उन 1000 लोगों में से 26 लोग पॉजिटिव पाए थे। उन 26 में 8 ओमिक्रॉन के पेशेंट थे जो लैब टेस्ट के लिए दिल्ली भेजे थे। उन 8 में से 6 लोग ठीक होकर अपने अपने घरों की ओर जा चुके हैं, गंतव्य की ओर जा चुके हैं। 2 लोग अभी एडमिट हैं, पर दोनों में कोई भी सिम्टम नहीं है, जुकाम खांसी जैसा या कोरोना जैसा कोई सिम्टम नहीं है। मेरी मान्यता है कि जल्दी वो भी चले जाएंगे और इन सभी 26 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी पूरी कर ली है और अभी सभी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में ठीक पाए गए हैं। पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।